हेलो दोस्तों, वेलकम टू बी रियल एंड ग्रेसफुल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे मैंने अपने पुराने लोवर को एक क्रॉप टॉप या ब्लाउज में कन्वर्ट किया। मेरे पास होजरी फैब्रिक का ये पुराना लोअर वेस्ट पड़ा हुआ था जिसका क्रॉच एरिया बिल्कुल फट गया था, तो मैंने इसके क्रॉच एरिया को अलग कर लिया और नीचे दो इक्वल पार्ट्स में कट कर लिया। इसके बाद दोनों पार्ट्स को जहाँ से सिलाई लगी होती है साइड में, वहाँ से कट कर लेंगे और इसको फैलाकर एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। इन दोनों को साइड से खोलकर मैंने एक दूसरे के ऊपर रख लिया। हमने दोनों सीधी साइड एक दूसरे के ऊपर रखनी है और अपना कोई पुराना ब्लाउज है उसको उसके ऊपर रख देंगे और अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग कटिंग कर देंगे। और ये होजरी फैब्रिक है तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल फिटिंग की हम कटिंग करेंगे, बिकॉज होजरी फैब्रिक थोड़ा सा स्ट्रेच भी होता है, तो इसमें ज़्यादा मार्जिन देने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। नीचे का मार्जिन आप अपने क्रॉप टॉप की जितनी लेंथ रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग छोड़ सकते हैं। अब जहाँ मैंने निशान लगाए थे उसके साथ साथ मैं कटिंग कर लूँगी। अब एक पार्ट को अलग करके दूसरे पार्ट को लेकर शोल्डर के ऊपर शोल्डर रखकर आगे मोड़े वाली कटिंग कर देंगे। ये हमारे क्रॉप टॉप का फ्रंट पार्ट रहेगा। अब मैं इसको स्टिच कर लूँगी। अब मैं दोनों पार्ट्स को सीधी साइड से एक दूसरे के ऊपर रखकर शोल्डर्स की स्टिचिंग कर लूँगी। अब मैं दोनों साइड से फिटिंग वाली सिलाई लगा लूँगी। अब मैं स्लीव्स, नेक और नीचे के किनारे हेम करने के लिए सुई से तुरपाई कर लूँगी, या आप चाहे तो इसको मशीन से भी स्टिच कर सकते हैं।